SMT चैनल में फिर से एक बार आपका दिल से स्वागत करता हूँ फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम लोग आप स्टॉक्स पे जो ओवरऑल व्यू है, कैसे हम लोग यहाँ पे ऑर्डर को बाय एंड सेल कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका है। बहुत ही रोबस्ट एक सॉफ्टवेयर यहाँ पे बनाया है, टेक्नोलॉजी फर्स्ट यहाँ पे एप्लीकेशन है, तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा वे से आप बाय एंड सेल कर सकते हो। और आप स्टॉक्स के साथ डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट तो फ्री में ओपन हो रहा है, यहाँ पे कोई डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट के लिए आपको पैसा पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, फ्री है। और जो डिलीवरी चार्जेस है इक्विटी का, वो बिल्कुल ज़ीरो डिलीवरी चार्जेस इक्विटी का ज़ीरो है। यहाँ पे कोई ब्रोकरेज चार्जेस आपको पे नहीं करना पड़ेगा, नो ब्रोकरेज चार्जेस, ठीक है। तो अकाउंट ओपन करने के बाद, अकाउंट ओपन करने का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कॉमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। चाहो तो आप वहाँ पर ओपन कर सकते हो लिंक में क्लिक करके। तो वहाँ पर अगर क्लिक करके आप ओपन करते हो तो आपका डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट फ्री में ओपन हो जाएगा, एंड आपका जो डिलीवरी चार्जेस है इक्विटी का, ब्रोकरेज चार्जेस भी आपको ज़ीरो पे करना पड़ेगा, वहाँ पे कोई चार्जेस नहीं लगता है, ठीक है। तो आपको सिर्फ एक मैं ओवरव्यू दिखाने के लिए वीडियो मैं आपको बना रहा हूँ, आप देखिए थोड़ा सा, वीडियो ज़्यादा लेंथी नहीं होगा। तो ये आप स्टॉक्स अगर आप जैसे आप डाउन इंस्टॉल करोगे प्ले स्टोर से, तो आपको ऐसा दिखेगा कि टॉप 20 जो शेयर्स है उसका लिस्ट। यहाँ पे जाके आप कोई भी स्टॉक्स चुन सकते हो, जैसे मैं फॉर एग्जांपल IRCTC मैं यहाँ पे चूज़ कर रहा हूँ। तो जैसे आप IRCTC चूज़ करोगे, यहाँ पे आपको बाय एंड सेल का ऑप्शन दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ पे इसका करेंट जो प्राइस है इसका भी आपको दिखाई देगा, कितना पैसा में क्लोज हुआ था, इसका इंटर डे हाई एंड लो, एंड इसका 52 वीक्स हाई एंड लो दिखाई देगा। तो यहाँ पे आपको बाय करने के बाद, बाय पे जब क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई देगा इसका करेंट प्राइस, एंड देन इसका डिलीवरी, प्रोडक्ट डिलीवरी। आप यहाँ पे क्वांटिटी जितना भी चाहते हो आप यहाँ पे क्वांटिटी भर दीजिए, मैं यहाँ पे 100 भर देता हूँ। फिर ये जो ऑर्डर है, लिमिट ऑर्डर एंड मार्केट ऑर्डर, आपको जो भी सिलेक्ट करना है, मार्केट ऑर्डर सिलेक्ट कर सकते हो, लिमिट ऑर्डर भी सिलेक्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पे लिमिट ऑर्डर सिलेक्ट कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं प्राइस डाल रहा हूँ 2600, ठीक है। तब 2600 में जब भी ये प्राइस आएगा, इस प्राइस के में ये जो स्टॉक का, तो मेरा ये ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। अभी इसका प्राइस चल रहा है 2646 रुपीस। फिर इसके बाद मैं यहाँ पे जो प्राइस डालने के बाद, मैं यहाँ पे फिर यहाँ पे रिव्यू करूँगा। तो मैं यहाँ पे रिव्यू करता हूँ, रिव्यू करने के बाद मुझे पूरा डिटेल्स मुझे दिखाएगा, फिर मैं यहाँ पे बाई करूँगा। बाई करने के बाद यहाँ पे आपको फ़ंड ऐड करना पड़ेगा, यहाँ पे जाके आप इसको फ़ंड में ऐड कीजिए, जो भी आपका पैसा, जितना क्वांटिटी का पैसा दोगे, खरीदोगे, उतना ही आपको फ़ंड ऐड करना है। फिर फ़ंड ऐड करने के बाद आपका प्लेस ऑर्डर हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप कोई ऑर्डर को सेल करना चाहते हो, तो यहाँ पे जाइए, कोई भी ऑर्डर सिलेक्ट कीजिए, फिर यहाँ पर आपको सेल ऑर्डर में क्लिक करना पड़ेगा यहाँ पर। फिर जैसे आप सेल ऑर्डर में क्लिक करेंगे, वो स्टॉक का नाम ऑटोमेटिकली ले लेगा, उसका प्राइस भी आप देख सकते हो स्क्रीन पर, ठीक है। तो उस प्राइस में आपको डिलीवरी ऑर्डर, फिर क्वांटिटी आप डाल दीजिए, जो भी क्वांटिटी आप डालना चाहते हो, ठीक है, जो जो क्वांटिटी आपके पास है। फिर लिमिट ऑर्डर और मार्केट ऑर्डर यहाँ पर आप चूज़ कर सकते हो। लिमिट ऑर्डर में आपका प्राइस सेट कर सकते हैं, मार्केट ऑर्डर में आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। फिर आप रिव्यू ऑर्डर करके, जैसे मैंने यहाँ पर लिमिट और डिलीवरी ऑर्डर, फिर मैं इसको लिमिट ऑर्डर कर देता हूँ, और मैं इसको सेल कर दूँगा 2010 रुपीज़ में, ठीक है। तो फिर मैं इसको रिव्यू ऑर्डर करने के बाद यहाँ पे जब भी मैं सेल ऑर्डर प्लेस करूँगा, तो मेरा ऑर्डर सेल हो जाएगा, ठीक है। तो ये है ओवरऑल प्रोसेस, बहुत ही सिंपल सा वे से आप इसको ऑर्डर को बाय और सेल कर सकते हो। अगर आप बाय ऑर्डर एंड सेल ऑर्डर करने के बाद यहाँ पे जो भी आप ऑर्डर्स करेंगे वहाँ पर इस सेक्शन में दिखाई देगा। फिर आप पोर्टफोलियो भी बना सकते हैं, फंड्स भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर जाके आप फंड्स को भी यहाँ पर पैसा डाल सकते हो, अपना बैंक से, गूगल पे से, जहाँ पे आप चाहो कि पेटीएम से, ठीक है, काफ़ी सारा ऑप्शंस है यहाँ पे। आप जितना अमाउंट का, जितना अमाउंट आप शेयर खरीदना चाहोगे, उतना अमाउंट आप यहाँ पे ऐड फंड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो बहुत ही आसान प्रोसेस है, यहाँ पे जाकर आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट यहाँ पे डिजिटल गोल्ड में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, IPO में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, म्यूचुअल फ़ंड खरीद सकते हो, ठीक है। सारे के सारे ऑप्शन, डिजिटल गोल्ड, IPO, म्यूचुअल फ़ंड, सारा ऑप्शन आपको दिया हुआ है। जो भी ऑर्डर आप प्लेस करेंगे यहाँ पे ऑर्डर सेक्शन में आपको दिखाई देगा, ये वाला ऑप्शन में आप जाओगे तो जो भी आप ऑर्डर प्लेस किए हो वहाँ पे आपको दिखाई देगा। पोर्टफोलियो सेक्शन में आप जाएंगे तो आप, अगर आप कोई पोर्टफोलियो क्रिएट करते हो तो आपका पोजीशन दिखाएगा, मतलब अगर आप बाई किए हो तो ऑर्डर IRCTC, ठीक है, यहाँ पर जो भी आप ऑर्डर खरीदते हो उसके बाद आपका पूरा पोर्टफोलियो यहाँ पर
शो करेगा, SBI, जो भी आप शेयर खरीदोगे यहाँ पे पूरा लिस्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, यहाँ पे बाय एंड सेल करना बहुत ईजी है। ऊपर से इसका चार्जेस भी, ब्रोकरेज चार्जेस HDFC सिक्योरिटी जैसा कॉस्टली नहीं है। तो आप चाहो तो आप स्टॉक्स में भी आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे फ्री एंड ब्रोकरेज चार्जेस जीरो लगते हैं। ठीक है माय फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।